विकास पर्व के रूप में व्यापक अभियान भाजपा विकास यात्रा के दौरान चलाएगी। भाजपा कार्यालय में रोड मैप तैयार किया गया है। विकास यात्रा में केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसमें युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की भी अहम भूमिका होगी। वहीं रमन सरकार के मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में रहेंगे। विकास यात्रा दो चरणों में 11 मई से दंतेवाड़ा से शुरू की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 65+ का टारगेट दिया है, यानी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 90 में से 65 सीटें जीतना है। 15 साल में सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को समझ रहे हैं, चाहते हैं कि समय रहते वोटरों को मना लिया जाए। लिहाजा अभी महीने भर पहले ही लोक सुराज अभियान के तहत प्रदेश भर का दौरा कर चुके सीएम फिर विकास यात्रा के जरिए प्रदेश की सड़कें नापने की तैयारी में है। विकास यात्रा दो चरणों में होगी। पहला चरण 11 मई को दंतेवाड़ा से शुरू होगा और 11 जून तक चलेगा। दूसरा चरण 18 अगस्त से चुनाव आचार संहिता लागू होने तक चलेगा। विकास यात्रा में सरकार जनता के लिए खजाना खोलने की तैयारी में है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री 1900 करोड़ रुपए का धान बोनस बांटेंगे। 1,20,000 साइकिल, 25 लाख सिलाई मशीन, श्रमिकों को 90,000 औजार, चना बोनस, भूमि का पट्टा और स्काई योजना के तहत मोबाइल का वितरण भी करेंगे। इस दौरान जगह जगह विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी सीएम ही करेंगे। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शुक्रवार को विकास यात्रा की रणनीति तय करने को लेकर बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह समेत सभी मंत्री, विधायक मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदि भी शामिल हुए। 11 मई को दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर विकास यात्रा निकाली जाएगी। पहले दो दिनों में सुकमा और बीजापुर जैसे सुदूर इलाकों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया जाएगा। बाद में विकास रथ से पूरी यात्रा होगी। बस्तर से रावघाट दल्ली राजहरा होते हुए यात्रा दुर्ग की तरफ आएगी। जो अपन विकास यात्रा का शुभारंभ करेंगे और 11 मई को प्रारंभ करेंगे माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर, और उस समय हमारे कोई ना कोई केंद्रीय नेतृत्व यहाँ रहेंगे और उनके हरी झंडी दिखाकर जो है वो विकास यात्रा प्रारंभ होगी। दूसरी चीज़ ऐसा है कि वहाँ से निकल के बस्तर संभाग को कंप्लीट करते हुए फिर इस तरफ मैदानी क्षेत्र में आएंगे और उस तरफ जो है फिर जगदलपुर अपने सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग की ओर वो लगातार आगे बढ़ेंगे। और ये 11 मई से 11 जून तक एक महीना ये कंटिन्यू चलेगा। विकास यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार अपने 3 पारी में किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाकर अपनी 4थी पारी सुनिश्चित करने का सपना भाजपा देख रही है। अब देखना है कि 65+ की रणनीति में भाजपा कितना सफल हो पाती है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। प्रदेश में एक बार फिर अपने हक की लड़ाई लड़ने छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ लामबंद हो गया है। प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 अलग-अलग चरणों में आंदोलन की शुरुआत करने की जानकारी पदाधिकारियों ने दी। साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय को जानकारी देकर अब संघ आंदोलन करने की तैयारी में लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रिका सिंह ने अपने प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ पत्रवार्ता में लिपिक संघ के 5 चरणों के आंदोलन के शंखनाद की जानकारी दी। इस आशय का नोटिस उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव को देने से भी अवगत कराया। पत्रवार्ता के दौरान चंद्रिका सिंह ने बताया कि विगत 35 वर्षों से चली आ रही लिपिकों की वेतन विसंगति को लेकर संघ संघर्षरत है। छत्तीसगढ़ सरकार को उदाहरण स्वरूप राजस्थान सरकार की आदेश उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में लिपिकों का प्रारंभिक वेतनमान 1900 से 2400 करते हुए छत्तीसगढ़ में लागू ग्रेड के अनुसार वेतनमान सुधार की मांग एवं लिपिकों को 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर पिछले वर्ष प्रदेश भर में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। 20 अप्रैल 2017 को लिपिक महापंचायत के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। गौरतलब है कि 12 जनवरी 2018 को मंत्रालय ने महानदी भवन का घेराव एवं प्रदर्शन का प्रदेश के लिपिकों ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया था, परंतु शासन के मांग के प्रति कोई भी सकारात्मक पहलू नहीं होने से बलौदाबाजार जिले में 14 अप्रैल को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन का शंखनाद किया गया। चंद्रिका सिंह ने कहा कि प्रदेश भर के लिपिक 5 चरण का आंदोलन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में 11 मई 2018 को जिला मुख्यालयों में भोजन अवकाश के प्रदर्शन, द्वितीय चरण 26 मई 2018 को संभागीय मुख्यालयों संघों में प्रदर्शन एवं संभागयुक्त को ज्ञापन
तृतीय चरण 1 जून से 26 जून तक काली पट्टी लगाकर कार्य एवं प्रदेश भर में लिपिकों से संकल्प पत्र अंतिम समय पर डटे रहने भरवाया जाएगा। हमारी एक मांग, मुख्य मांग है वेतन विसंगति, लिपिकों का प्रदेश में लिपिकों का वेतन विसंगति, जिसको लेकर के समय समय पर लोकतांत्रिक तरीके से हमने शासन का ध्यान आकर्षित करता है। लगभग 2-3 वर्षों से आश्वासन पर ही काम चल रहा है। इस बात को लेकर के प्रदेश में काफ़ी लिपिकों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर के 12 जनवरी को, अभी ताज़ा मैं बताना चाहूँगा, 12 जनवरी 2018 को मंत्रालय का घेराव हुआ, और घेराव ही नहीं, महाघेराव के रूप में हुआ। 10,000 से अधिक हमारे लिपिक साथी, आक्रोशित लिपिक साथियों ने घेरा। उसके बाद भी सरकार सकारात्मक रुख नहीं दिखाई, जिसके कारण प्रदेश में काफ़ी आक्रोश व्याप्त हुआ। और बलौदा बाजार में हमारी प्रांतीय बैठक हुई, जिसमें हमने निर्णय लिया साथियों के ओर से कि हम 5 चरणों में आंदोलन करेंगे, और इस बार का आंदोलन जब तक हमारा वेतन विसंगति का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। बहरहाल प्रदेश में कार्यरत 30,000 कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई अपने सम्मान को पाने के लिए शुरू करेंगे। चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार का क्या रुख होता है, यह देखने वाली बात है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। पीसीसी चीफ बघेल ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए फिर कहा है कि नीति आयोग के सीईओ से क्या सीएम चश्मे का नंबर पूछेंगे। वहीं भाजपा ने भी साफ कहा है कि कांग्रेस को विकास नहीं दिख रहा है, वे अंधकार में अपना समय व्यतीत कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पूछा कि क्या अब वे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से भी चश्मे का नंबर पूछेंगे। कांत ने देश के पिछड़ेपन के लिए 5 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार और 1 राज्य में भाजपा समर्थित सरकार है। बघेल ने यह भी कहा कि भाजपा जहां जहां है, विनाश वहां वहां है। तो क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी नीति आयोग के भी चश्मा का नंबर पूछेंगे? इनके कार्यकारी सीईओ हैं अमिताभ कांत, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को सर्टिफिकेट दिया है, और उन्होंने कहा कि देश के पिछड़ने के लिए जो राज्य दोषी हैं वो उसमें छत्तीसगढ़ भी एक है। भूपेश के वार का भाजपा ने कांग्रेस को शुतुरमुर्ग बताकर शायराना अंदाज में जवाब दिया है। जवाब में भाजपा ने कहा कि तेरी आंखों का धोखा है जो सच नहीं दिखता, वरना विकास के अलावा नजर आता क्या है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अपना समय, शक्ति और सामर्थ्य वहां खर्च कर रही है जहां केवल अंधकार दिखता है। कभी आंखें खोलकर देखे तो हर तरफ विकास ही विकास नजर आएगा। अब बघेल जी का काम ही हो गया सुबह रोज उठ के एक नया आरोप लगाना, कभी नीति आयोग को तो कभी विकास की चिड़िया को, और उनको विकास दिखता नहीं, नीति आयोग में खामियां दिखती है, तो ये उनका काम करते रहे। हम लोग तो विकास करते रहेंगे, हम जन समस्याएं लोगों की सुलझाते रहेंगे, हम सकारात्मक मुद्दों पे काम करेंगे। सरकार की उपलब्धियां हैं हमारे पास, डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा है, 15 साल से हम छत्तीसगढ़ में सरकार में हैं। आपको बता दें कि विकास की चिड़िया का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में ये विवाद और भी गहराते जा रहा है। अब देखना होगा कि ये विवाद कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। चलते चलते एक नजर डालते हैं खबर की सुर्खियों पर। श्री बालाजी भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उमड़े श्रद्धालु, मुख्यमंत्री ने भी की पूजा अर्चना। अमरजीत ने साधा सरकार पर निशाना, कहा पत्थलगड़ी वाली जगह से शुरू करें विकास यात्रा। मुख्यमंत्री के विकास रथ से किसानों के खाते में बरसेगा बोनस, विकास यात्रा के लिए बना रोड मैप। और विकास की चिड़िया का विवाद नहीं ले रहा है थमने का नाम, कांग्रेस भाजपा में अब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। अब आप देश टीवी के सभी कार्यक्रम और खबरें YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए टीम के साथ इजाजत, नमस्कार।